हेलो पीपल, इट्स मीशान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अपकमिंग मूवी जिसका नाम है भीड़। इट्स स्टारिंग राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर एंड मैनी मोर। ये अनुभव सिन्हा की मूवी है, ही इज द डायरेक्टर एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू अनुभव सिन्हा मूवीज, क्योंकि कुछ टाइम से अनुभव सिन्हा की मूवी इतनी इम्पैक्टफुल और नेसेसरी है कि एक एक सब्जेक्ट अपने में जस्ट जस्ट अलग है। ही इज लाइक यू नो द आयुष्मान खुराना ऑफ डायरेक्टर्स, यू नो ही इज लाइक दैट। मुल्क, थप्पड़, अनेक, आर्टिकल 15, यू नो इस तरीके की मूवीज वो बनाते आए हैं एंड आई थिंक ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी अदर। ये यू नो कोविड लॉकडाउन के ऊपर बेस्ड है, जब इंडिया में हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी उस पर ये बेस्ड है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मैन डिफिकल्ट टू वॉच, सो आई एम यू नो जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। और एक्टर इतने जबरदस्त लिए, राजकुमार राव इज गोइंग फाड़ देगा, राजकुमार राव इसमें इट्स गोइंग टू बी एपिक। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग, मैं ट्रेलर देखने से पहले ही बोल रहा हूँ दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक वन एंड मैं डेफिनेटली मूवी देखूंगा। बट चलिए देखते हैं, लेट्स वॉच द ट्रेलर। इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। भीड़ ऑफिशियल ट्रेलर, इट्स 2 minutes and 39 seconds लॉन्ग। Here we go. आज रात 12 बजे से मोदी जी पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Yes, man, those times. Death. ताकतवर के हाथ में होता है शर्मा जी, अगर कमजोर के हाथ में न्याय दे दिया जाए ना तो न्याय अलग होगा। मदर बन गया अपने ही देश के अंदर। पंकज कपूर, डैम। मुझे ये इंडिया के पार्टीशन की तरह दिख रहा है। एक दिन अचानक इन लोगों को पता चला कृतिका शर्मा हमारा इनके घर वहाँ है नहीं जहाँ अब तक रहते आए। यहाँ हमारे औकात का बाउंड्री लाइन सेट कर दिया गया है, जमीन पर एक बिस्तर डाल दिया गया है जिस पे हमारे माँ बाप जी दोनों बैठेंगे। बच गए तो हमारे, नहीं बचे तो प्लास्टिक में तपेट के फूंक दिए जाएंगे। हमारे पास तो ऐसा पड़े हुए बच्चे भूख से रो रहे हैं, खाने में पूरे देश में करना हाथ फैला रहे हैं और हमारे बच्चे बचे हैं साथ। चेक पोस्ट से लेके पीछे तक बहुत सारे सिंह है और बहुत शुक्ला त्रिवेदी, पर सबका कानून सेम है। इतना सालों बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आया। दीदी चाचा दोनों से अपने सलवार में अखबार घुसाए बैठी थी बच्ची। हजार भी नहीं जाते हैं हम लोग अब बच्चा रोक के नहीं रोटी देने रोक नहीं भैया का खाना आ गया बच्चे हत्या का अधिकार नहीं दिया किसी ने। सुनत का बदलाव मानेगा जब हम आपको बताएंगे बदल गए तब आप भी बदलिए हम भी बदलते हैं। अब शहर गए क्योंकि यहाँ कोई इंतजाम नहीं था, शहर से वापस आए क्योंकि वहाँ कोई इंतजाम नहीं था। गरीब आदमी के लिए कभी इंतजाम ही नहीं हुआ, हमको न कोई रास्ता निकाल लेंगे, वादा करते हैं आपसे। हमें भरोसे नहीं है, करना पड़ेगा त्रिवेदी बाबू। जबरदस्त स्टार्ट आज यार। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एक्टिंग क्लास फॉर एवरीवन। इतने धांसू इज द राइट वर्ड, इतने धांसू एक्टर्स हैं इसमें कि मतलब यू विल सी अ पिनिकल ऑफ एक्टिंग इस पूरी मूवी में। मजा आ जाएगा यार, दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक वन एंड वी कैन नॉट इवन थिंक, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि लोगों को क्या बीती थी। आई मीन इट वॉज रियली डिफिकल्ट, हम बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट था, कहीं जा नहीं सकते थे, इतनी दिक्कत होती थी, यू नो घर का सामान लाने में इतनी प्रॉब्लम होती थी इनिशियली। बाद में चीज़ें हो गई, घर पे डिलीवरी होने लगी, ब्लिंकिट जैसी चीज़ों की से हेल्प मिलने लगी, बट जब स्टार्टिंग के डेज से इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था। मैं खुद यू नो एक बार दूध लेने गया था बाहर और मैंने पुलिस वाले से डांट खाई थी एंड आई वॉज स्केर्ड कि ये मुझे मारे ना। आई एम नॉट केयरिंग, आई वॉज स्केर्ड कि ये मुझे मारना थे। आई वॉज
यू नो जस्ट होल्डिंग बैक, आई वाज ट्विचिंग. वो मेरे से बात कर रहा था, मुझे चिल्ला रहा था, डांट रहा था कि तुम घर से बाहर क्यों, और मुझे लग रहा था बस अब ये रैपट मारेगा मुझे, अब इसका हाथ उठा. आई वाज स्केयर्ड, ठीक है. एंड ये कुछ भी नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट द पीपल जिनके पास घर नहीं था, वो पटरी के उधर सो रहे हैं, ट्रेन आई कुचल के चली गई रात को. मैन कितनी, इट्स लाइक हमारे पास उसके बाद भी लग्जरी थी. लग्जरी थी कि हमारे सर के ऊपर छत थी, लग्जरी थी कि हम भूखे नहीं मर रहे थे, यू नो मैन. क्या लग्जरी थी कि हमारे पास फोन था, चार्जर था, पैसे थे कि हम you know, अपने क्लोज्ड वन से बात कर पाए, जिनसे हम मिल नहीं पा रहे, जिनसे हम you know, रोज मिलना जुलना करते हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे, बात हो पा रही है, एक दूसरे के वेयर अबाउट्स पता कर you know, चल रहे हैं. बट मैन दीज पीपल, क्या स्ट्रगल थी भाई साहब, जबरदस्त स्ट्रगल थी. एक शॉर्ट फिल्म आई थी इस पे, प्राइम पे आई थी, अनपॉज्ड, एंड देन सॉरी अनपॉज्ड या अनपॉज्ड एक नया सफर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. आई थिंक अनपॉज्ड एक नया सफर, दो ये आए हैं. अगर अनपॉज्ड एक नया सफर, वही कोविड से ही रिलेटेड था आई थिंक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट. अनपॉज्ड नया सफर, ये दो you know, सीरीज है, उसी का पार्ट है एक्चुअली. सो वो भी कोविड के ऊपर बेस्ड था. उसमें एक स्पेसिफिक जो मेरी फेवरेट वो थी, शॉर्ट फिल्म थी, वो अभिषेक बैनर्जी की एक शॉर्ट फिल्म थी. मैं नाम बोल रहा हूँ शॉर्ट फिल्म का, लेकिन अभिषेक बैनर्जी की थी. उसमें एक ना ग्लिम्स दिखाया था द स्ट्रगल ऑफ पीपल, जो लेबर क्लास होती है, जो अपने गाँव से दूर है और यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे. वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनकी कोई मंथली सैलरी क्रेडिट नहीं होती अकाउंट में, वो कैश के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनकी डेली वेजेस होती हैं. कितनी प्रॉब्लम होगी अगर उन्हें डेली खाना नहीं मिला या डेली पैसे नहीं मिले, क्योंकि उस डेली पैसे से ही वो अपनी डेली का पेट भरते हैं. वो नहीं मिला तो दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव, क्योंकि उनके पास उस दिन का खाना नहीं होगा. ये चीज़ें इस सब में कंसिडर करी जाएंगी. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इट. ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो मैं समझ नहीं चाह रहा था. जैसे एक पानी का वो था, टैंकर टाइप था, उसमें लोग वो था, एक यू नो इंजर्ड आदमी था, एंड देन कि हाँ यू नो इसमें भी लोगों ने हिंदू मुसलमान घुसेड़ दिया था. दिस इज अ ब्लडी यू नो वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक. इसमें भी कि यू नो क्या कोरोना जिहाद कर रहे हो तुम लोग. इट्स लाइक मैन, पंकज कपूर इज नेलिंग इट, ही इज नेलिंग इट. और क्या कहूँ, मतलब ही इज पंकज कपूर, ही इज द लिविंग लेजेंड. तो इतनी इतना यू नो कीड़ा भरा हुआ लोगों के दिमाग में, इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग. और ये सब इसमें कंसिडर किया जाएगा. एंड अनुभव सिन्हा, मैन ही हैज द गट्स टू शो ऑल दिस. इस तरीके की मूवी दिखाना, ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स, अनेक मूवी में जिस तरीके से रेसिज्म दिखाया था, थप्पड़ मूवी में जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया, आर्टिकल 15 में जिस तरीके से कास्ट सिस्टम दिखाया, मुल्क में जिस तरीके से यू नो हिंदू मुसलमान दिखाया, इट्स लाइक ही हैज दैट लेंस ऑफ हाउ ही सीज द वर्ल्ड. एंड ही, और वो हमेशा अपनी मूवीज खुद लिखते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं. अमेजिंग मैन, अमेजिंग. इट्स जैसे मैंने बोला, अनुभव सिन्हा इज द आयुष्मान खुराना ऑफ डायरेक्टर्स. मैन, आयुष्मान खुराना की जैसे मूवीज होती है, हर मूवी में कुछ ना कुछ यू नो एक ऐसा टॉपिक होता है विच इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, इट सेंड्स अ मैसेज. अनुभव सिन्हा का भी सेम है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम लुकिंग एट दिस ट्रेलर राइट नाउ. एंड आई थिंक मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आई एम ग्लैड कि इसमें ये सारे एक्टर्स हैं, आशुतोष राणा, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, ऑल दीज पीपल आर जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग. जबरदस्त मजा आया यार ये मूवी देखने में. आई डेफिनेटली वॉच इट. आप मुझे बताइए, आर यू एज एक्साइटेड एज मी फॉर दिस मूवी, या आपके कुछ अलग थॉट्स हैं? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड ये वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को. अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. एंड इफ यू वांट कैन फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. और मेरा एक सेकंड चैनल है जो कि एक गेमिंग चैनल है. राइट नाउ आई एम प्लेइंग होराइजन जीरो डॉन ऑन पीसी. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोस काइंड ऑफ यू नो गेम प्ले वॉक थ्रूज वगैरह, तो उस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. डू चेक इट आउट. एंड दैट्स इट. टिल देन मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.